हाय एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और जो मैंने कट ऑफ बताए थे और जो कट ऑफ जाने वाले, आज मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दिल थाम कर बैठिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो पे। सबसे पहले मैं एक एक चीज का एनालिसिस करूंगा और डेटा पर बात करूंगा, बिना डेटा के मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ वीडियो में। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या जाने वाला है। तो मजा आने वाला है, मतलब वीडियो में मजेदार मजा आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं TOI की रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग मुझे बोल रहे थे, सर TOI की रिपोर्ट ऐसा है वैसा है। मैं कभी, आपको पता है, मैं कभी भी इन चीजों पर जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। तो मैं हमेशा, कोई चीज गलत होती है ना तो ही मैं जवाब देता हूँ, मुझे पता है जो चीज सही है तो उसके लिए मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। चलो बात करते हैं। तो मैंने आपको एक बताया था कि TOI के अकॉर्डिंग 550 प्लस में जो हमारे CG के बच्चे थे, वो उनके अकॉर्डिंग कितने थे, अपन बात करते हैं। वो थे उनके अकॉर्डिंग 323। और अभी आपको पता है हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो मैंने काउंट किया। अच्छा, एक चीज आना कि ह्यूमन एरर हो सकती है, 10-15 बच्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यार, नॉन डोमिसाइल को काउंट करना और डोमिसाइल वालों को काउंट करना, थोड़ा सा ह्यूमन एरर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो 10-15 बच्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको पता है मेरिट लिस्ट आ चुकी है, इस बार बहुत सारे बच्चों जो हाई रैंकर्स बच्चे हैं, लाइक 685 वाले ने भी इस बार अप्लाई किया हुआ है, तो वो तो ऑल इंडिया से जाएगा। शुरू के 640 प्लस जो भी बच्चे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के, वो सब ऑल इंडिया से ही जाएंगे 640 प्लस, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो यार, 640 प्लस में उनको ऑल इंडिया से JNM से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 630 तक भी मिल सकता है JNM से अच्छा कॉलेज अनरिजर्व और ओबीसी को। ठीक है, 620 तक ओबीसी को अच्छा कॉलेज मिल सकता है JNM से। तो इन लोग को, जो भी ये बच्चे लोग, इनको ऑल इंडिया से ही जाना चाहिए। हाँ, अगर आपका 620 मार्क्स से कम है तो आपको ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा JNM से। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेट की काउंसिल में पार्टिसिपेट करके यहाँ से JNM ले सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब जो डेटा हमारे पास आ चुका है, तो अब कितने बच्चे हैं 550 प्लस में, मैं आपको ये बता दें एक्चुअल में कितने हैं। तो TOI का डाटा था, अब एक्चुअल में कितने हैं, तो एक्चुअल में है बेटा 383। कितने हैं? 383। कितने बच्चे बढ़ चुके हैं? 60। जो कि मैंने, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पहले ये चीज बता दी थी कि मैंने जो एनालिसिस किया था, मैंने इन बच्चों को कंसिडर किया था, लेकिन मैंने 60 बच्चों को कंसिडर नहीं किया था, मैंने 40 से 50 बच्चों को कंसिडर किया था। मुझे पता था कि जब हमारी स्टेट की मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें 40 से 50 बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे। मेरा वीडियो काम कर रहा है कि नहीं, मुझे देख लेने दो। हाँ, बहुत बढ़िया, तो वही हुआ जो कि मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां तक तो वही चला जो मैंने आपको बताया था। अब आगे बात करते हैं, अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 579 मार्क्स की, इससे ऊपर की, मतलब प्लस, इसको ऊपर मार्क्स की अगर हम बात करें, तो UR रैंक जो है इसमें, अभी जो हमारी मेरिट लिस्ट आई उसमें 342 है। इसमें से नॉन डोमिसाइल वाले कितने हैं, मैंने काउंट किया है तो 180 है। 185 भी हो सकते हैं, 175 भी हो सकते हैं, 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे हो गए बेटा डोमिसाइल वाले, 162, मतलब 579 प्लस मार्क्स वाले जो हमारे CG के बच्चे हैं बेटा, वो कितने हो गए, 162। ऐसे अगर हम बात करें 569 मार्क्स पे भी हम बात कर सकते हैं, 569 प्लस मार्क्स पे UR रैंक जो है हमारे CG की, वो है बेटा 569, UR रैंक है 537, 537 है, जिसमें से नॉन डोमिसाइल बच्चे 306 हैं। अगर अपन इसको माइनस कर दे तो CG के कितने बच्चे हैं, 231 है। 231 ऐसे बच्चे जो छत्तीसगढ़ के हैं, जिनके पास CG का डोमिसाइल है और उनके मार्क्स 569 प्लस आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो तो यार 545, 546, एक एक मार्क्स पे कितने सारे बच्चे हैं, आपने देखा 8-8, 10-10 बच्चे बैठे हुए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि एक एक नंबर की अहमियत होती है। ठीक है, फिर अगर आप और बात करें 551 प्लस मार्क्स की बात करें, तो उसमें जो UR रैंक है वो है बेटा 859। आप देख सकते हैं, आपके पास भी मेरिट लिस्ट, आप देख सकते हैं, जिसमें नॉन डोमिसाइल बच्चे 477 है बेटा, मैंने काउंट किया बैठ के। ये आप नंबर समझ रहे कितना बड़ा बड़ा नंबर होता है बेटा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बेटा, है ना, इसलिए मैंने ये सब काउंट किया है। मतलब आधा घंटा क्या, मैं 1.5 घंटे से बैठा हूं LAP के सामने और ये सब कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। इसमें अगर आप माइनस करो तो 382 बच्चे, मतलब 382 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 551 से ज्यादा आ रहे हैं। इसमें सभी कैटेगरीज के बच्चे, ओबीसी के भी है, ईडब्ल्यूएस के भी है, एसटी के तो बहुत ही कम होंगे, एससी के भी कुछ बच्चे हैं इसमें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बात। अगर हम बात करें 540 प्लस की बात कर लें, तो 540 प्लस में अगर हम बात करें तो UR रैंक जो है हमारी वो 1103 है। इसमें से नॉन डोमिसाइल 627 लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ के 476 बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली TOI से डेटा मैच कर ही रहा है, वो 50-60 बच्चे तो बेटा एक्स्ट्रा होने ही थे, वो तो पहले से हमें पता था और मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा, मैंने आपको ये बताया था, आपको याद है मैंने बताया था कि 535 से मैं 550 के बीच में कितने बच्चों को ले रहा हूँ, मैंने कितने बच्चे लिए थे आपको पता है? मैंने बोला था मैं 120 बताया था मैं, और अभी है कितने बेटा, अभी 540 से 550 में ही 90 स्टूडेंट है सीजी के, 90। तो आप मान रहे हैं ना कि 5 नंबर में तो 30 बच्चे होंगे ही होंगे ना। तो जब मैं वीडियो में बताता हूँ तो आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बेटा मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ बेटा, मैंने बहुत कैलकुलेशन करके रखे हुए, मैं 3-4 घंटे मेहनत करता हूँ उसके बाद एक कैलकुलेशन आपके पास लेके आता हूँ, मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सत्य होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने ये बताया था इतना हुआ एक्चुअल में इतना, अब मैंने 535 से 550 में काउंट नहीं किया, नहीं तो इतना ही होता, करेक्ट इतना ही होता, 5-10 स्टूडेंट ही ऊपर नीचे होते। तो आप ये देख लीजिए मैंने बताया था ये एक्चुअल में है, मैंने 535 से 550 काउंट नहीं किया क्योंकि बेटा टाइम बहुत लग रहा था और मैं ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुका था, मुझे अब आपको कुछ और बातें बतानी है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर कांकेर नहीं था, हमारे छत्तीसगढ़ में कांकेर नहीं था लेकिन ऑल इंडिया सीट्स आती थी, तो 40 से 50 सीट्स आती थी है ना ऑल इंडिया से, आपको पता 41 या 42 सीट्स लास्ट ईयर आई थी ऑल इंडिया कोटा की, लेकिन इस बार वो नहीं आएंगी, लेकिन हमें ये पता है कि 80 से 85 सीट्स हमारी बढ़ चुकी है स्टेट की क्योंकि कांकेर आ चुका है, ठीक है 82 सीट्स बढ़ चुकी है क्योंकि उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा होता है और 3% सेंट्रल नॉमिनी कोटा होता है। मैंने सबका कैलकुलेशन किया, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आप वीडियो देखिए और खुश रहिएगा। और फिर फाइनली जब हमारा अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का तो आप कट ऑफ देख लीजिए जो मैं यहां लिखूंगा और आप फाइनली देख लीजिए क्या कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो यूआर की कितनी सीट्स थी अनरिजर्व, 263। ओबीसी की कितनी सीट थी बेटा, 77। एससी की कितनी सीट थी, 64। एसटी की कितनी सीट थी, 177। और ईडब्ल्यूएस कितने था, 66 था। अभी भी ये 66 ही अभी मैं मान के चल रहा हूं। मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने केस फायर किया था हमारे हाई कोर्ट में और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर हमको ईडब्ल्यूएस सीट्स मिल चुकी हैं लेकिन अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। और मैं जो यहाँ पे डेटा ले रहा हूं या जो एनालिसिस कर रहा हूं वो इस पे कर रहा हूं कि हमारा सीट मैट्रिक्स वैसे ही रहता है जैसा कि लास्ट ईयर था। अगर ये चेंज होता है तो फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस क्या आएगा उसके लिए मैं कल वीडियो बना दूंगा अगर सीट मैट्रिक्स चेंज होता है। और अगर नहीं होता है, अभी भी सीट मैट्रिक्स चेंज हो सकता है, जब तक अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आती है उसके पहले तक हमारा सीट मैट्रिक्स चेंज हो सकता है। अगर अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सीट मैट्रिक्स चेंज होने वाला है, ठीक है। चलो तो अब इसमें मिला कहां तक था, अब यूआर को अभी अपन छोड़ देते हैं। ओबीसी में कितनी रैंक तक मिला था आपको पता है, 159 फीमेल को मिला था और 155 जिसके ओबीसी रैंक थी मेल को मिला था। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर की बात करना बहुत जरूरी है। एससी में 71 रैंक तक मिला था, जिसकी एससी रैंक 71 थी स्टेट में उसको कॉलेज मिल गया था। एसटी में 193 तक मिला था और इसमें 74 तक मिला था। अब आप बोलोगे सर ये बताइए 177 सीट्स है तो 193 तक कैसे मिल गया, सर ये बताइए मुझे 16 सीट्स कैसे आ गई, सर यहाँ पे 64 है तो ये बताइए सर 71 तक कैसे मिल गया, सर यहाँ 77 है तो 159 तक कैसे मिल गया, सर यहाँ 66 है तो 74 तक कैसे मिल गया, इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि पहले ये एलिजिबल होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर किसी ओबीसी वाले बच्चे का 610 है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी से जेएनएम मिलेगा, अनरिजर्व कैटेगरी से जेएनएम मिलेगा तो इस सीट का यूटिलाइजेशन होगा ना कि ओबीसी कोटा का यूटिलाइजेशन होगा। तो इसी प्रकार और कुछ बच्चे क्या होते हैं इसमें से कि ऑल इंडिया में चले जाते हैं, जैसे अभी भी आप देखिएगा तो ओबीसी मुझे लगता है 8-10 बच्चे जो है वो ऑल इंडिया कोटा से चले जाएंगे तो नीचे खिसकता है, जितनी भी सीट्स होती है उससे नीचे आता है। इस बार क्या होने वाला मैं बता रहा हूं, इसमें अपन कांकेर को ऐड कर लिए हैं, है ना, कांकेर को ऐड कर लेंगे तो कितनी नंबर ऑफ सीट बढ़ गई और इस बार ओबीसी में कहां तक हमें कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें क्या हुआ था लास्ट ईयर कि ईडब्ल्यूएस 2-3 जो लोग थे जो टॉप वाले उनको ऑल इंडिया से चले गए थे और बाकी 3-4 लोगों के डॉक्यूमेंट फर्जी निकल गए थे तो उनको हटा दिया गया था, इस वजह से 66 की जगह 74 तक गया था, ठीक है। अच्छा ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि एक्चुअली में ईडब्ल्यूएस को अनरिजर्व की सीट देनी चाहिए अगर उसका मेरिट अच्छी है, मतलब उसके 610 नंबर है और उसको अनरिजर्व से अगर जेएनएम मिल रहा है तो उससे मिलना चाहिए, लेकिन मैंने देखा लास्ट ईयर की अलॉटमेंट लिस्ट में उनको ईडब्ल्यूएस कोटा से ही किया दिया गया है। तो यह क्या रूल है ईडब्ल्यूएस के क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि अनरिजर्व में नहीं आएंगे, इनके लिए अलग से कोटा है तो उनको अपने कोटा से ही सीट दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते इस बार बात करते कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास, 286 अनरिजर्व की है, ओबीसी की 88 है, एससी की 73 है, एसटी की 193 है, बढ़ चुकी है सब, क्यों बढ़ चुकी है आपको पता है, और ईडब्ल्यूएस सॉरी मैंने गलत बता दिया है, सॉरी दो मिनट, 286 88 और 73, अच्छा ठीक है ये 201 हो चुकी है, ठीक है ईडब्ल्यूएस की अभी भी उतनी ही है,
ठीक है, क्योंकि कांकेर आया तो उसमें ईडब्ल्यूएस सीट्स आई नहीं है, मेरा वीडियो काम कर रहा है। तो अब क्या होने वाला है सर, अब क्या होने वाला है सर, ओबीसी में कहां तक जाएगा? तो देखो बेटा ओबीसी में, अब सुनो अच्छे से, ओबीसी में जिसकी भी रैंक 174 तक है वहां पे मिलने वाला, मतलब ये मार्क्स है तुम्हारे 542 प्लस। मतलब देखिए ओबीसी 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 जो मैंने कट ऑफ बताया 542 प्लस 543 प्लस वही जा रहा है, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अब यही कट ऑफ जा रहा है। दो चार नंबर ऊपर नीचे होता है, इसके अलावा एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, मतलब चार नंबर्स के पांच नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, चार नंबर मैक्सिमम ऊपर नीचे हुआ, ऐसे एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एससी की। तो एससी में इस बार मुझे ऐसा लगता है जिसकी भी 82 रैंक है, स्टेट 82 रैंक है, ये मेरे हिसाब से कट ऑफ गया पूरा का पूरा, एक दो नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है बेटा। वो तो 30-40 बच्चे आ गए इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बाकी कैटेगरीज में देखते हैं। तो इसमें 462 प्लस बेटा, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया। आजकल एससी और एसटी को प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एससी और एसटी में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जो बोलते थे ना लोग कि एसटी को तो 320 में मिल जाता है, 325 में मिल जाता है, नहीं, अब इनका ये लोग अपने स्टैंडर्ड से ऊपर आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज है। तो ये मैंने इसमें आपको 450 या 445 प्लस बोला था, लेकिन ये 462 प्लस जाएगा। अब इससे 460 तक ही, दो चार नंबर आप मान के चलिए ऊपर नीचे हो, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है। अच्छा, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि एससी के जो टॉप 3 या टॉप 4 या टॉप 5 लोग हैं वो ऑल इंडिया से जाते हैं कि नहीं जाते। कई बार क्या होता है ना, वो रायपुर में रहना चाहते हैं, उनको ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है, फिर भी वो घर से दूर जाना नहीं चाहते। तो बेटा यहाँ पे 82, 83, 84 बेटा आपका जो ऐसा बोलना चाहिए, आपका जो फ्यूचर है वो शुरू के 5-6 बच्चों पर डिपेंड करता है। अगर वो 5-6 बच्चे जेएनएम में ना रुकते, ऑल इंडिया से चले, ऑल इंडिया से उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जेएनएम के कंपैरिजन में, लेकिन कभी अभी नहीं जाते वो, अगर वो चले गए तो आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, अगर वो नहीं गए तो फिर आपका फ्यूचर खराब होने वाला है, ठीक है। अब बोलोगे सर 73 सीट्स है, 82 तक कैसे मिलेगा? तो वही मैंने बताया कि कुछ एससी बच्चों को अनरिजर्व सीट मिल जाएगी, ठीक है, जाति साथ कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे ऑल इंडिया से चले जाएंगे, और एक दो बच्चों को डॉक्यूमेंट भी गलत निकल सकते, तो उस वजह से ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अच्छा, अब एसटी की बात करें तो एसटी में अब मुझे ऐसा लगता है कि जिसका भी एसटी रैंक 221 तक मिल जाना चाहिए, मतलब मार्क्स कितने हैं 345 प्लस, तो एसटी का भी बढ़ेंगे। मैंने 335 प्लस बोला था, 10 नंबर इतना चलता है यार, 5-10 नंबर, लेकिन कैटेगरीज में बढ़ रहा है, यहां और यहां और यहां बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, जो मैंने बोला वही गया। बेटा कैटेगरीज में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कैटेगरीज का कट ऑफ बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है ना, मजा आएगा ना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में आप ये मान लो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 74 तक इसलिए मिल गया था क्योंकि 3-4 बच्चों का डॉक्यूमेंट फर्जी निकला था। अगर ऐसा केस इस बार भी होता है, और शुरू के 3-4 मैंने बताया कि लास्ट के जो होते हैं ना 4-5 बच्चे, वो डिपेंड इस पे करता है कि शुरू के जो टॉप की ईडब्ल्यूएस के वो कहां जा रहे हैं, अगर वो ऑल इंडिया में चले जाएंगे वो भी इस बात इस बार है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिए, अगर इसमें स्टेट की सीट, वो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट रिवर्ट होती थी स्टेट में, अगर वो भी हो जाती तो यहां पे बेनिफिट होता, मजा आता वहां पे भी, लेकिन अब वो आने वाली नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में मुझे ऐसा लगता है 70, जिसकी भी ईडब्ल्यूएस 70 रैंक है उनको कॉलेज मिलने वाला है, और एक कट ऑफ जाएगा तुम्हारा बेटा 502 मार्क्स। देखिए बिल्कुल 500 प्लस जा रहा है, 500 प्लस जा रहा है, 502 प्लस जा रहा है, ये लिखा था मैंने, ये देखिए 542 प्लस जा रहा है, मैंने बताया था, ये मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा गलत साबित हुआ, और इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगली बार से मैं एससी और एसटी को एक कॉम्पिटेटिव लेवल पे लेके आऊंगा, और उसके बाद कट ऑफ प्रिडिक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जो लगता था उस हिसाब से अब चीजें नहीं हो रही इन दोनों कैटेगरीज में। कैटेगरीज का प्रिडिक्ट कर पाना हमेशा से टफ रहा है, लेकिन मैंने दो बार अच्छे से प्रिडिक्ट किया, इस बार थोड़ा सा मैं गलत हो गया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही गलत हुआ, 5-10 नंबर। आपको पता है यार 330 से 345 में एसटी के बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, इवन एक एक मार्क्स पर एसटी के बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव हमारे लिए पॉइंट है। चलो अब आगे बात करते हैं, अब इसमें इसका जानना है आपको बेटा, इसका कट ऑफ है 546, या तो 546 पे भी 3-4 लोग हैं तो 546 पे भी मिल सकता है, और 546 पे नहीं तो 547, इतना ही कट ऑफ जाने वाला है अनरिजर्व का, ये आपका फिक्स हो चुका है, अनरिजर्व का इतना कट ऑफ जाने वाला है, इतना कट ऑफ जाने वाला है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे नॉन डोमिसाइल बच्चे कितने हैं, वो है 434, नॉन डोमिसाइल बच्चे नहीं, डोमिसाइल बच्चे 434 है। अगर यू आर रैंक देखोगे इस पे आप, तो यू आर रैंक आपको यहाँ पे मिलेगी 980, कितनी मिलेगी यू आर रैंक 980 यू आर रैंक मिलेगी, उसमें से हमारे नॉन डोमिसाइल बच्चे 548 होंगे,
तो 2 मिसाल बच्चे 434 होंगे। अब आपका सवाल फिर से यही होगा, सर मुझे आप ये बताइए कि सीट 286 आप 434 तक कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा बेटा? तो ये आप ध्यान रखिए कि देखिए इसका जो कट ऑफ जा रहा है 542 प्लस जा रहा है, इसके पहले इसके ऊपर जो मार्क्स होंगे उसमें ओबीसी की 88 सीट्स इसमें ऐड हो जाएंगी, तो 286 प्लस 88 ये ऐड हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी का भी इतना ही कट ऑफ जा रहा है ऑलमोस्ट, तो ओबीसी की जो सीट्स है वो ओबीसी बच्चों को मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, इसलिए 88 सीट्स इसमें और ऐड हो जाएंगी। इसमें सभी बच्चे से ना बेटा एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हैं और ओबीसी के बच्चे भी, तो कुछ ओबीसी की सीट भी फिल होंगी, कुछ एससी की सीट फिल होंगी इन बच्चों से, कुछ एसटी की भी होंगी, कुछ ईडब्ल्यूएस की भी होंगी। इस प्रकार से ये आपको 434 बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा 286 रैंक में भी, क्योंकि इसमें ओबीसी के बच्चे भी आएंगे, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के भी आएंगे। तो बेटा जो मैंने बताया बिल्कुल वैसा हुआ, ठीक है, टीयूआई का डाटा देख लीजिए, आपके पास मेरिट लिस्ट है, आप सब कुछ देख लीजिएगा। बच्चे बढ़ते हैं हर बार बढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच्चे बढ़ते हैं, मैंने उन बच्चों को ऐड करके ही कट ऑफ बताया था और देखिए वही कट ऑफ जा रहा है जो आपको बताया था। इन दोनों कैटेगरीज की अगर हम बात ना करें तो मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा 10 से 15 नंबर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जा रहा है, बाकी में आप देख सकते हो वही जा रहा है जो बताया था। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, देखिए यार थोड़ा लाइक वाइक कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है बेटा, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सब करने में, बस इतना ही बोलूंगा, बाकी तो आप खुद समझदार हो चुके हैं क्योंकि अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आप सब चीजों को जानते हैं। चलिए टाटा बाय बाय।